सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी सर्विस का रिव्यू आपको देने वाले हैं। हम जाने वाले हैं सर्विस कराने अपनी टियागो की। और दोस्तों, ये चौथी सर्विस होने वाली है जो कि पेड सर्विस है। और दोस्तों, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस इस सर्विस में बताऊँगा और क्या क्या इसमें चेकअप हुए हैं वो भी आपको बताऊँगा। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा चेकअप होने वाले हैं नहीं, इसमें बस कुछ जनरल चेकअप ही होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, और साथ में वॉशिंग वगैरह भी होगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं गाड़ी की सर्विस कराने अपने वर्कशॉप में। तो दोस्तों, वर्कशॉप हम पहुंच चुके हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि किसी न किसी वजह से खड़ी हुई हैं। कुछ सर्विस के बाद खड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे ही खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है। और अब हम दोस्तों अपनी गाड़ी लगा लेते हैं और आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों, हमने गाड़ी को वर्कशॉप के अंदर जाते हुए आपको नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ चेकअप हो चुके हैं और साथ में अब गाड़ी के नीचे का सारा हिस्सा टाइट हो चुका है। जो भी नट बोल्ट चेक किए जाते हैं वो सब हो चुके हैं, ऑयल वगैरह का सबका चेकअप हो चुका है। अब गाड़ी जो है डाउन की जा रही है। और दोस्तों, ये सब मैं इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एक दूसरा काम भी था, तो मैं वो काम कराने में बिजी हो गया था। तो दोस्तों, ये ऑल चेकअप्स हो चुके हैं। अब दोस्तों, गाड़ी कुछ और चेकअप के लिए अंदर और जाएगी जहाँ पे मैं अपनी वीडियो नहीं बना सकता। तो दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी डाउन हो चुकी है और दोस्तों ऑल चेकअप्स हो चुके हैं। और दोस्तों, अब गाड़ी आगे जा रही है और दूसरे चेकअप्स के लिए। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों गाड़ी आ चुकी है सफाई होने के लिए। और दोस्तों, आपको अब मैं दिखाऊंगा कि पहले यहाँ पे एयर मारी आएगी। वैक्यूमिंग यहाँ पे नहीं की जाती है, एयर से दोस्तों गाड़ी को साफ़ किया जाता है। और दिखाते हैं आपको कैसी गाड़ी साफ़ की जाती है एयर लगा के। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर गाड़ी में हवा लगा रहा है और आप धूल को उड़ते हुए देख सकते हैं कि कितनी सारी धूल गाड़ी में भरी हुई थी और वो हवा से उड़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लीनिंग का कार्य अच्छे से हो जाता है। और क्लीनिंग का कार्य हो जाने के बाद दोस्तों इसे वॉशिंग के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लीनिंग लगभग पूरी हो चुकी है और ये पीछे का हिस्सा भी क्लीन कर रहा है। और अगर आगे कुछ कमी रह जाएगी तो आगे भी वो क्लीनिंग करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी की जो है वैक्यूमिंग और क्लीनिंग हो चुकी है। अब दोस्तों, गाड़ी वॉश होने के लिए निकल चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पंच लग रही है। यहाँ पे दोस्तों गाड़ी की वॉशिंग शुरू हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से कर्मचारी वॉश करते हैं, आप वॉशिंग देख सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी में शैम्पू लगाई जा रही है और फिर शैम्पू लगाने के बाद दोस्तों गाड़ी को वॉश कर दिया जाएगा प्रेशर वाटर से। और दोस्तों, आगे आपको हम दिखाते हैं कि वॉशिंग के बाद क्या होता है। दोस्तों, गाड़ी के जो नंबर प्लेट का पैनल है वहाँ पर शैम्पू नहीं लगाई गई थी, इसीलिए वहाँ पर दोबारा से शैम्पू लगवा रहा है वर्कर। और दोस्तों, उसे फिर क्लीन कर रहा है। तो दोस्तों, सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पर दोस्तों वर्कर के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग की जा रही है और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से वो क्लीनिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लीनिंग का काम लगभग कंप्लीट हो ही गया है, बस थोड़ा बहुत डोर का काम बचा हुआ है, तो वो भी क्लीन हुए जा रहे हैं। और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के कहाँ पे लगती है। यहाँ पे इन लोगों ने अंडरबॉडी कार की साफ़ नहीं की है, इसके लिए मैंने इन लोगों को बोला। अब दोस्तों, गाड़ी वॉश होने के बाद यहाँ पे गाड़ी की क्लीनिंग करते हैं कपड़े के द्वारा और फिर दोस्तों गाड़ी डिलीवरी देने के लिए रेडी हो जाती है। और दोस्तों, इसके बाद बिल बनवा के और गाड़ी रेडी हो जाने के बाद डिलीवरी ले लेंगे और आपको बताते हैं कि गाड़ी में क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं। दोस्तों, गाड़ी की डिलीवरी हमने ले ली है और यहाँ पर हम वर्कशॉप से बाहर
आ गए हैं। तो दोस्तों एसी की कूलिंग सर्विस के बाद बहुत अच्छी हो गई है, और साथ में यहाँ पे ब्रेक चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रेकिंग बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है, पहले दोस्तों ब्रेक इतने अच्छे से नहीं लग रहे थे जितने अच्छे से अभी वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों इनकी भी एफिशिएंसी बढ़ी है और एसी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ज़्यादा तेज़ी से ठंडक कर रहा है। और दोस्तों गाड़ी भी सर्विस के बाद बहुत ही स्मूथ चल रही है, और चलाने में इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।